आपको बता दें यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में ठंड का असर ज्यादा बढ़ने लगा है। दो दिन से बादल छाए हुए हैं। आपको बता दें आज को ज्यादा बारिश के साथ अगर बरसे तो कुछ हद तक लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कल को दिन भर हल्की धूप के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। लखनऊ के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। आज प्रदेश भर में बादल छाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें हर दिन सर्दी का एहसास ज्यादा होने लगा है। प्रदेश भर में सुबह से कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम हो गई है। इसी बीच चलिए जानते कि आखिर कब साफ होगा यूपी का मौसम। तो आपको बता दें मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश भर में मौसम साफ हो जाएगा। अगले ही दिन आपको बता दें कल को पश्चिमी यूपी में फिर भारी बारिश की है संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते यूपी के अलग अलग जिलों में ठंड पड़ना ज्यादा शुरू हो गई है। चलिए आखिर अब जानते हैं कि कब घोषित होगी शीतलहर। तो आपको बता दें दरअसल मैदानी इलाकों में जब न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम पहुंच जाता है तब शीतलहर घोषित की जाती है। इसके अलावा जब तापमान 2 डिग्री या उससे भी कम गिरावट दर्ज की जाती है तब भीषण शीतलहर घोषित की जाती है। अंत में आपको ये भी बताते चले कि आने वाले समय में यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना बन रही है। हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में पश्चिम विक्षोभ की वजह से नमी रहेगी जिससे आंशिक बादल और बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तराखंड में अब बारिश और बर्फबारी के आसार बनते दिख रहे हैं। अनुमान है कि आज से पहाड़ी राज्य में मौसम तेजी से बदलेगा। इससे उत्तर प्रदेश में मौसमी बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर भारत की पहाड़ियों पर शीतलहर की स्थिति बनती दिख रही है जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से सटा प्रदेश है तो यहां ठंड और बदलते मौसम का सीधा असर देखने को मिलेगा। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि साइक्लोन जवाद तूफान को लेकर भी एक खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश के तट से आज चक्रवात तूफान जवाद टकराएगा। राज्य में लगातार बारिश दर्ज हो रही है। कुछ स्थानों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली है। इतना ही नहीं प्रदेश की सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। इस तूफान से निपटने के लिए राज्य सरकारों ने पूरी तैयारी कर ली है। चक्रवात जवाद तूफान को लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। बंगाली खाड़ी से उठे इस चक्रवात तूफान का असर सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश उड़ीसा और बंगाल में देखने को मिल सकता है। जान माल से संभावित नुकसान से बचने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने अलर्ट घोषित कर दिया है। स्कूल कॉलेजों के साथ कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा बंगाल और उड़ीसा में भी अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा के पुरी में भी चक्रवात तूफान जवाद को लेकर चेतावनी जारी की गई है। सभी मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। आपको बता दें भारत मौसम विज्ञान विभाग की माने तो जवाब के आज उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण उड़ीसा तक पहुंचने की संभावना है। इसके बाद पुरी में आज भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।